दुर्ग जिला भाजपा मंगलवार द्वारा एक दिवसीय दुर्ग नगर निगम का घेराव कर महापौर व विधायक के कार्यों के खिलाफ अपना आक्रोश जताया गया। वहीं इस बार भी भाजपाइयों द्वारा निगम के सामने लगे बैरिगेट्स को लांघ नहीं पाए। दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को नगर निगम घेराव कर जंगी प्रदर्शन किया गया। इसे बड़ी संख्या में शामिल भाजपाइयों ने जमकर आक्रोश जताया। बता दें कि लगातार भाजपा द्वारा दुर्ग नगर निगम की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए और साथ ही दुर्ग विधायक और महापौर के खिलाफ आक्रोश जताते हुए जमकर नारेबाजी की जा रही है। साथ ही बड़ी संख्या में दुर्ग नगर निगम कार्यालय के बाहर सड़क जाम कर विरोध जताया। वहीं पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए बैरिगेट्स को पार करने में भाजपाई इस बार भी नाकाम रहे। इस आंदोलन में बहुत से भाजपाई पदाधिकारी उपस्थित नजर नहीं आए, जिसके चलते प्रदर्शन के दौरान भाजपाई बैरिगेट्स तक को लांघ नहीं पाए। इस संबंध में भाजपा के जिला अध्यक्ष व पदाधिकारियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। दुर्ग नगर निगम और दुर्ग विधायक दोनों के विरोध में हम सब आए थे आयुक्त को ज्ञापन देने के लिए, लेकिन अकर्मण्य आयुक्त और कर्मण्य दुर्ग जिला प्रशासन ने हमारे महिला मोर्चा के बहनों के साथ धक्का मुक्की किए। एक तो अरुण वोरा जी और बाकलीवाल जी दोनों जाने विकास काम नहीं करा पा रहे हैं, विकास काम कर रहे हैं उसमें घोर भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लूट खसोट अंधेरागिरी कहीं है तो दुर्ग नगर निगम और दुर्ग विधानसभा में है। यहाँ पे जुआ सट्टा शराब चरस गांजा हफीम जैसे अन्यायपूर्ण कृत्य करा रहे हैं और इन लोग मुझको लगता है कि थाने से पैसे वसूल रहे हैं। महादेवा ऐप संचालित हो रहा है, महादेवा ऐप के मालिक को पकड़े नहीं हैं तो कौन दोषी है? तो यहाँ के पूरा जिला प्रशासन दोषी है। और उसके विरोध में दुर्ग नगर के लोग आए थे, लोगों को पानी नहीं मिल रहा है, बारे बरसात में पीने के पानी दिला नहीं पा रहे हैं बाकलीवाल जी और अरुण वोरा जी, और चैन से सोए हुए हैं। हजारों हजारों के लोग हैं, कौन नहीं दिख रहे हैं? मैं खुद जिला अध्यक्ष खड़ा हूँ, हमारे चारों मंडल अध्यक्ष खड़े हैं, युवा मोर्चा खड़े हैं, महिला मोर्चा खड़े हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने मुझसे अनुमति लिया है, कोई जवाब नहीं आ रहा है। गली गली में जाके देख लीजिए, लोग हाहाकार मचे हैं, सड़क बना रहे हैं तो 7 दिन में उड़ जा रहा है, यही अरुण वोरा जी कार्यकाल में। घोर अत्याचार अंधेरा है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है। पुलिस के अधिकारी कहो कि प्रशासन के अधिकारी कहो, जिनको निष्पक्ष रूप से शासन प्रशासन उपलब्ध कराना चाहिए, न्याय दिलाना चाहिए, वही लोग चुपचाप बैठे हुए हैं। आगामी किस तरह की रूपरेखा रहेगी? और ज्यादा रहेगा, पूरा चक्का जाम कर देंगे, सारे ऑफिस में तालाबंदी कर देंगे। निश्चित रूप से दुर्ग शहर की जनता इस नगर निगम प्रशासन से त्रस्त हो चुकी है, मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है, न समय पे पानी मिल पा रहा है, बड़ी बरसात में पूरे मोहल्ले पूरे वार्ड अंधेरे में डूबे हुए हैं, विकास कार्यों का कहीं अता पता नहीं है। रही बात यहां लोगों के सम्मिलित होने से, तो हमने यह आंदोलन एक जनमानस को लेकर किया है और शहर के सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के सारे पदाधिकारी सभी मोर्चा प्रकोष्ठ के कार्यकर्ता जिम्मेदार लोग इसमें सम्मिलित हुए हैं। फिर भी कई नेताओं के अलावा भाजपा के पार्षद भी नजर नहीं आ रहे हैं। नहीं, भाजपा के पार्षद हैं, हो सकता है कुछ लोग अपने व्यक्तिगत कारणों से निजी कार्यों से ना आ पाए हों, लेकिन सभी लोग सामान्य सभी सम्मिलित रूप से आंदोलन किया जा रहा है। वहीं पर युवा मोर्चा के जो अध्यक्ष है वो भी नाराज लग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ हो सकता है किसी व्यक्तिगत कारण से ना हो शहर में, बाकी सभी मोर्चा सभी प्रकोष्ठों सभी कार्यकर्ता पदाधिकारियों की भागीदारी पूर्णतः है इसमें। पर भ्रष्टाचार और शहर में जो देख रहे हैं जो नगर निगम की नाकामी और अरुण वोरा के द्वारा जो वादा खिलाफी किया गया उसके विरोध में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और शहर के नागरिकों के द्वारा यह जंगी प्रदर्शन किया गया। यह प्रदर्शन इतना सक्सेस है, महिलाएं जिस तरह से आज सड़क पर उतरी है, इससे साबित होता है शहर में व्याप्त समस्या सड़क नाली पानी बिजली एक बहुत बड़ी समस्या इस शहर में नागरिकों को है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।